नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अगली सुबह शनिदेव आपके भाग्य को बदलने वाले हैं। शनिदेव जब भी किसी भी जातक के मनुष्य के कर्मों को देखते हैं तो उनका हिसाब करते हैं, और उनका हिसाब इस तरीके से करते हैं कि उनके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, उनके जीवन में काफ़ी ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और शनिदेव अब की बार आपके भाग्य को बदलने के साथ साथ आपके किस्मत और नसीब को भी बदलने वाले हैं। ऐसे में शनिदेव भगवान जी के नसीब आपका बदलने की वजह से आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा, व्यापार व्यवसाय कैसा रहेगा, करियर लव लाइफ स्वास्थ्य व्यवसाय कैसा रहेगा, आपको कौन से क्षेत्र में उन्नति मिल सकती है, कौन से कार्य को करने से आपको धन संपत्ता की प्राप्ति हो सकती है, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होगी, और जब आपका भाग्य शनिदेव स्वयं अपने हाथों से बदलेंगे तो आपका दिनचर्या कैसा रहेगा, आपको कौन सी महत्वपूर्ण सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। मित्रों, आपको बताएंगे कि आपके लव लाइफ में जो भी परेशानियां चल रही थी वह किस प्रकार से दूर होंगी, और भगवान शनिदेव आपको कौन से शुभ संकेत देंगे जिनको समझकर आप अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति कर सकते हैं, और किस प्रकार से भगवान शनिदेव जी की और ज़्यादा पूजा आराधना करके आप अपने दैनिक दिनचर्या को परिवर्तित कर सकते हैं, ग्रहों के फलों का किस प्रकार शुभ परिवर्तन अपने जीवन में ला सकते हैं। मित्रों, आपका लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहेगा, आपके जीवन में कौन सी ऐसी अद्भुत और नए चमत्कार होने वाले हैं जो आपके लिए एक नया कायाकल्प करने वाले हैं, नई पद्धति में, नई शुरुआत में, आपको नई जगह, नई नौकरी में आपका स्थान परिवर्तन करने वाले हैं। दोस्तों मित्रों, आपके सभी सपने किस प्रकार से साकार भगवान शनिदेव करने वाले हैं, मित्रों आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, भगवान शनिदेव जी की आपके जीवन में जो भी भगवान शनिदेव आपके जीवन के समस्त समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं, भगवान शनिदेव के द्वारा जब आपके नसीब को बदला जाएगा तो आपके जीवन में धन संपत्ता की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र में काफ़ी बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होगी, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में आपको लाभ मिलने वाला है, और आर्थिक और व्यक्तिगत दोनों रूप से आप काफ़ी ज़्यादा पदोन्नति को पाने वाले हैं। मित्रों, करियर को लेकर बड़ी कोशिशों में आपकी सफलता मिलेंगी, आप लोगों के साथ जुड़ोगे, लोग आपका सम्मान करने वाले हैं, तथा आपको सकारात्मक और काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होंगी, और कार्य क्षेत्र में भी आपको काफ़ी ज़्यादा इज्जत मिलने वाला है। व्यवसाय कर रहे लोगों को मेहनत ज़्यादा करने की वजह से आपको बेहतरीन सफलता की प्राप्ति होगी। आज का दिन सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, भगवान शनिदेव की कृपा से आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। जिन कार्यों को करने में आपको काफ़ी समय, काफ़ी लंबा योगदान देना पड़ता था, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको जीवन में किसी भी प्रकार का अपनी मनचाही सफलता नहीं मिल रही थी तो वह भी अब आपको मिलने वाली है। भगवान शनिदेव आपके समस्त प्रकार की समस्याओं को दूर करेंगे और कार्य क्षेत्र में काफ़ी बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगी। मित्रों सावधान, अगर आप अकेले हैं और एकांत में हैं तभी आगे की वीडियो को देखें, जाने सुने और समझें, क्योंकि आगे की जानकारियां सारी की सारी रहस्यमयी रहेंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको ही जानना सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि भगवान शनिदेव जी की कृपा से आपके जीवन में जो परिवर्तन होने वाला है, भगवान शनिदेव जी की पूजा आराधना से जो आपको प्राप्त होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही जानना सुनना और समझना चाहिए। इसलिए आप सुबह से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आगे की जानकारियों को जानने से पहले आप किसी एकांत जगह पर चले जाएं या फिर आप कानों में हेडफोन लगाकर सुन लें। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि भगवान शनिदेव जी की कृपा से आपका भाग्य बदलेगा और आपको भाग्य बदलने के कारण बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। मित्रों, जिस प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से मेहनत और लगन से आप कार्य को कर रहे हैं और मनचाही सफलता को प्राप्त करना चाह रहे हैं, वह सफलता आपके कदम को चूमने वाली है।
भगवान शनिदेव जी की कृपा से आपको आधुनिक विषयों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जिससे आधुनिक विषय में आपकी पहचान होगी और जिसे व्यापार व्यवसाय के साथ साथ करियर, लव लाइफ और स्वास्थ्य और जीवन साथी के साथ करियर तो जीवन भी आपका सुखमय और काफी शांतिपूर्ण रहेगा। परिवार में किसी सदस्य के साथ, आपको बता दें कि किसी सदस्य का विवाह संबंधित कोई रिश्ता आ सकता है। अगर आपका कोई बहन भाई बेटा बेटी कोई भी है जिसका विवाह योग्य है और विवाह करने की आप काफी दिनों से तलाश कर रहे हैं या आप स्वयं अविवाहित हैं, तो दोस्तों अब भगवान शनिदेव आपके रिश्तों को काफ़ी ज़्यादा प्रसारित करने वाले हैं। भगवान शनिदेव जी की कृपा से आपके संबंध काफ़ी अच्छे घरों में होगा और आपका जीवन साथी भी आपको समझेगा और आपका विवाह बहुत ही जल्द तय होगा। विवाह भी आपका जल्द होने वाला है। मित्रों, आप वरिष्ठ सदस्यों के साथ संबंधों को बेहतर कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत बड़ा योगदान मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपके सहयोगी भी आपका सहयोग करेंगे, आपको सफलता की प्राप्ति करवाने वाले हैं और आपको आपके बॉस भी आपके कार्यों से प्रभावित होंगे। भगवान शनिदेव जी की कृपा से आप जो भी कार्य करोगे, जिस भी कार्य को करना चाहोगे, वो सारे के सारे कार्य आपके ऑटोमेटिक ही पूरे होंगे। मित्रों, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। अगर आप राजनीतिक के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भगवान शनिदेव जी की कृपा से आपके पहचान में काफी बढ़ोतरी होगी। आपको अपने सीनियर का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जूनियर का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, आपके सहयोगी आपके कार्यकर्ता भी आपका सहयोग करने वाले हैं। राजनीतिक में आपको बहुत बड़ा पद मिलने वाला है, जिनकी वजह से आप काफी ज्यादा भगवान शनिदेव को शुक्रगुजार होंगे। आप जब भी कोई भी पद पर हासिल हो, जब भी आपको बड़ी सफलता मिले, तो आप भगवान शनिदेव जी को आशीर्वाद जरूर प्राप्त कर लें। भगवान शनिदेव जी की आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ साथ आप भगवान शनिदेव जी को धन्यवाद भी जरूर दे दें। मित्रों, शासन सत्ता का पूरा सहयोग मिलेगा। राजनीतिक के क्षेत्र से जुड़े लोगों को, अपने जो भी सीनियर अधिकारी हैं, जो भी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उन लोगों का पूरा सहयोग मिलने वाला है। लेकिन आप अपने खर्चों को कटौती करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि आपका खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में खर्चों में आपको बचत करने की कोशिश करनी होगी। खर्चों को आप लगाम लगाने की कोशिश करें, तभी आप भविष्य को स्थिर कर पाएंगे, सिक्योर कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी तरीके से कार्य को कर पाएंगे। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आप किसी भी बड़े सदस्य के साथ बहसबाजी में ना पड़ें। हालांकि इस समय बहसबाजी का आपको थोड़ा सा इस समय वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। गुस्से पर तो आपको विशेष तौर पर कंट्रोल रखने की जरूरत होगी, क्योंकि आपका गुस्सा आपके बने बनाए कार्य को बिगाड़ सकता है और ऐसे में गुस्से को कंट्रोल में रखना आपकी जिम्मेदारी होगी। आप मधुर वाणी से लोगों को प्रभावित कर सकोगे। मधुर वाणी की वजह से आपके सभी बिगड़े कार्य भी बनेंगे। सभी कार्य जो आप करना चाह रहे हैं, उन सारे के सारे कार्य सफल होंगे। रिश्ते भी काफी बेहतर होंगे। इसलिए आप बहसबाजी में न पड़कर मधुर वाणी बोलने का प्रयास करें। आपको किसी भी बात को लेकर कहासुनी करने से बचने का प्रयास करना होगा। मित्रों, जो लोग बेरोजगार हैं उन लोगों को रोजगार की प्राप्ति होंगी। भगवान शनिदेव जी की कृपा से आपके जीवन में रोजगार के नए मार्ग खुलने वाले हैं और विद्यार्थियों को भी काफी बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होगी। जो लोग इस समय नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी कामकाजों को कर रहे हैं, उन लोगों को इस समय बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होगी। उन लोगों के सभी रोजगार सफल होंगे और आपको नए रोजगार की प्राप्ति होगी, या कहूं आपको नई नौकरी की प्राप्ति होगी। मित्रों, दूर देश के मामले में आपकी सक्रियता बढ़ने वाली है। कामकाज पर पूरा फोकस बनाए रखने की अवश्य कोशिश करें। आप किसी जरूरी काम को लेकर थोड़ा सा भाग दौड़ कर सकते हैं और वो आपका कार्य भी पूरा होगा। जिस भी कार्य को आप शिद्दत से करोगे और जिस भी कार्य को करने से पहले आप भगवान शनिदेव जी का स्मरण कर लोगे, उनको याद कर लोगे, तो आपका वो कार्य बन जाएगा। मित्रों, आज का दिन आपको बिजनेस कर रहे लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि आपके प्रतियोगी या आपके जो कंपिटेटर हैं, वो आपको मात दे सकते हैं या मात देने की योजनाएं बना सकते हैं। इसलिए आपको अपने जो भी रोजगार कर रहे हैं उन लोगों को, व्यवसायियों को विशेष तौर पर ध्यान देना होगा कि आपके जो कंपिटेटर हैं वो किस प्रकार से परिवर्तित कर रहे हैं, उसी के अनुसार आपको परिवर्तन करने की जरूरत होगी। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है, यानी कि आपके जीवन में प्रेम हो सकता है, आपके जीवन में विवाह हो सकता है। भगवान शनिदेव जी की कृपा से आपको कार्य क्षेत्र में काफी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। गृहस्थ जीवन में भी काफी बड़ा शुभ समाचारों की प्राप्ति होंगी। जो लोग संतान सुख से वंचित हैं, जो लोग काफी समय से संतान सुखों की प्राप्ति करने की चाह रख रहे हैं, उन लोगों को भगवान शनिदेव जी की कृपा से काफी बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होंगी। संतान सुखों की प्राप्ति होने वाली है।
मित्रों, आपके रिश्ते में चल रही अनबन भी दूर होंगी, आपके रिश्ते मधुर होंगे और माता जी की सेहत भी काफी अच्छी होंगी। आज का दिन आपके लिए चारों ओर से वातावरण खुश सुखनुमा रहेगा। चारों ओर से खुशनुमा वातावरण रहने की वजह से आपके सभी कार्य सफल होंगे। नौकरी में कार्यरत लोगों को भी काम काजों का ज्यादा बोझ मिल सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, परंतु यह परेशानी कुछ समय के लिए ही रहेगी और आप अपने कार्य को बखूबी पूरा कर सकोगे। संतान की शिक्षा में आ रही समस्याएं भी दूर होंगी। अगर आपका संतान पढ़ने लिखने में कमजोर है, अगर आपका संतान किसी भी प्रकार का कोई गलत संगत में पड़ चुका है, तो ऐसे में आप विशेष सावधान रहें और भगवान शनिदेव जी की पूजा आराधना करें, और आप अपने संतान को भी भगवान शनिदेव जी की पूजा आराधना करने के लिए जरूर प्रेरित करें। बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। जो लोग इस समय बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होगी। बैंकिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी इस समय प्रमोशन की प्राप्ति होंगी और आपको इस समय प्रमोशन मिल सकता है। अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव होंगे, जिनकी वजह से आप काफी प्रसन्न होंगे। आपको शीघ्रता और भावुकता पर कोई निर्णय लेने से बचने होंगे। आप शीघ्र निर्णय लेने में बिल्कुल भी विश्वास न करें, आप सोच समझ कर कोई भी निर्णय लेने की कोशिश करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा भी आप लोगों को प्राप्त होंगी, जिनकी वजह से आपके घर में माता लक्ष्मी जी आएंगी। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आपको मिलेगी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी जी भी आपके घर आने वाली हैं, आपके घर ठहरने वाली हैं, इसलिए उनके ठहरने का उत्तम बंदोबस्त कर लें। गृहस्थ जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी में न रहें। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।